नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट पे 25 खबरों पर। गृहमंत्री अमित शाह आज अपने असम के दौरे पर हैं, साथ ही अमित शाह ने राजधानी इम्फाल पहुंचकर कई योजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है, अगले साल अगले मन की बात होगी। उन्होंने कहा है कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है, इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। शारदा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई ने कहा, पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जांच के संबंध में सबूतों के गायब होने के बारे में जानते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी और कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका दिया। जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आदेश सच और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के बजाय अपने टीवी संबोधन के जरिए उनके प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। किसानों के आंदोलन का 32वां दिन आज। किसान संगठन सरकार से सशर्त बातचीत के लिए हुए तैयार। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार और किसानों के बीच होगी बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम सिंघू बॉर्डर जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री शहीदी सप्ताह के दौरान कीर्तन दरबार में लेंगे हिस्सा। संत कबीर नगर में कोविड-19 को लेकर फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज हो गया। 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश में बिना फास्टैग के नहीं कर पाएंगे बीमा। सरकार ने बिना फास्टैग की गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने पर रोक लगा दी है। नए साल पर 4 जनवरी से 4 पहिया गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारी रविवार से जिलों में डेरा डालेंगे। इस दौरान अधिकारी किसान संगठनों और प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। संघर्ष में किसानों पर दर्ज हुए 2 मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार। बीजेपी के जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने 2 मुकदमे वापस लेने की अनुमति भी दे दी। लखनऊ में पत्नी की हत्या के आरोप में बंद कैदी हुआ फरार। रंगाई पुताई और साफ सफाई के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी फरार होने के बाद जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के अजमेर में रहने वाले एक शख्स ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को चंद्रमा पर 3 एकड़ जमीन गिफ्ट में दी है। चांद पर जमीन खरीदने वाले वो 4वें शख्स बने। प्रयागराज में लड़की ने अपने ही छोटे भाई को प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। त्रिलोकपुरी इलाके में लड़कों के 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई है। इस दौरान कई राउंड गोलियां चली, जिसमें शहीद नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद जिले में एक साधु पर करीब 20 से 25 गांव वालों ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं मुंबई में पुलिस ने एक महिला को 30 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। महिला के पास से बरामद किए गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दे दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां शुरू की। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुक्तेश्वर चंद्र के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन लगाने के दिन, तारीख और समय की सूचना महकमे के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन पर SMS के जरिए बताई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,292 नए केस सामने आए हैं, जबकि 251 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा पर FIR दर्ज की। आरोप है कि प्राचा के दफ्तर पर सर्च करने गई पुलिस के काम उन्होंने बाधा डाली है। कोर्ट से वारंट हासिल करने के बाद पुलिस टीम ने महमूद प्राचा के दफ्तर में छापा मारा था। इसी दौरान उन्होंने अफसरों से दुर्व्यवहार किया। और वहीं गुजरात ATS ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में बार बार ड्रोन की घुसपैठ के चलते पुलिस अलर्ट पर है। जिला पुलिस, डेल्टा कमांडो, BSF और घाता कमांडो ने जीरो लाइन के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया। सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाया है। उन्होंने रात 12 बजे मीडिया के सामने छोटा सा केक काटा और लोगों को कोरोना वायरस से बचने की सावधानी बरतने की सलाह दी। बेल्जियम के एक केयर होम में कोरोना संक्रमित सेंटा क्लॉज के आने की वजह से वहां रहने वाले 121 लोग और 36 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया है। बाद में कोरोना संक्रमित होने वाले 18 लोगों की मौत भी हो गई। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।